पति उनको बुला नहीं रहे, लेकिन फिर उनकी इच्छा है कि मैं उसी पति के साथ जीवन बिताऊं, मैं दूसरे के साथ मेरा मन नहीं लगेगा, अगर उसको छोड़ के अगर दूसरे के पास जाऊंगी मेरा मन नहीं लगेगा, तो मुझे कौन से भगवान की, कौन सी देवी देवता की पूजा करनी चाहिए कि मेरा पति मेरी तरफ लौटे या मुझे बुला लें। बहुत बहुत वियोग प्राप्त हुआ राधा रानी को, काफ़ी लंबा वियोग प्राप्त हुआ, सीता जी को वियोग प्राप्त हुआ, पार्वती जी को वियोग प्राप्त हुआ, लक्ष्मी जी को वियोग प्राप्त हुआ पति का, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं कहीं अन्यत्र चली जाऊं। तो ये आपकी भावना बहुत अच्छी है, साथ साथ में आपको अर्धनारी स्वर की उपासना करनी चाहिए, स्त्रियों को तो इसे को इस गौरी शंकर की उपासना बराबर करनी चाहिए। विवाह से पहले ही गौरी पूजन होता है और उसके शरीर शांत हो तब तक करना चाहिए। सत्य कर रही हैं, सही कर रही हैं, तो एक बात माता जी को सोचना चाहिए, किसी घड़े में एक एक बूंद पानी पड़ेगा, देर में भरेगा, भरेगा जरूर, जितनी आवश्यकता है उतनी तेजी से, जितना उनका मंत्र जब नहीं हो रहा है, जब पूरा हो जाएगा तो काम उनका हो जाएगा, उन्होंने छोड़ दिया ये गलती की, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है, मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि वृंदावन की यात्रा में आपको बहुत सारे संतों के दर्शन करवाए, आज जैसे कि आपके सवालों की सीरीज मैंने शुरू की है और जितने भी हो सके आपके सवाल लेने की कोशिश करूंगा, और जैसे कि जिन महात्मा जी का सवाल ले रहा हूं, जिनका मैंने आपको स्थान बताया है, वृंदावन की परिक्रमा मार्ग पर है श्री उमा शक्ति पीठ के नाम से, आप वहाँ पर इनसे दर्शन कर सकते हो। पहले तो गुरु जी से प्रणाम करते हैं, फिर सवालों की सीरीज शुरू करते हैं। पहले तो गुरु जी मेरी तरफ से, मेरे देखने वाले सभी दर्शकों की तरफ से प्रणाम। गुरुजी, एक माता जी का सवाल है कि पिछली बार जैसे आपने, माता जी कह रही मैं भगवती के माँ भगवती के दुर्गा पाठ करती हूँ, मंत्र जप करती हूँ 108 बार, लेकिन मेरे को कोई फायदा नहीं हो रही है, तो मैंने अभी छोड़ दिया है, तो मेरे अब मुझे क्या करना चाहिए और क्या ना करूँ कि मुझे कोई फायदा नहीं हुआ तब मैंने छोड़े, तो अब क्या करूँ? अवश्य वेव माता जी गलत कर रही होंगी। अच्छा, अवश्य वेव अनधिकार कर रही होंगी, अवश्य में गलत कर रही होंगी। अगर माना अनधिकार नहीं कर रही हैं, गलत नहीं कर रही हैं, सत्य कर रही हैं, सही कर रही हैं, तो एक बात माता जी को सोचना चाहिए, किसी घड़े में एक एक बूंद पानी पड़ेगा, देर में भरेगा, भरेगा जरूर, जितनी आवश्यकता है उतनी तेजी से, जितना उनका मंत्र जब नहीं हो रहा है, जब पूरा हो जाएगा तो काम उनका हो जाएगा, उन्होंने छोड़ दिया ये गलती की, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे कि गुरुजी ने कहा माता जी को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सत्य बात है, मैं सभी से कहूँगा पूरा कीजिए। अगला सवाल लेता हूँ मैं। हाँ, एक मेरी बहना है सावित्री देवी, सावित्री देवी के नाम से है उनका नाम, उनका कह रहे हैं कि मेरी पति मुझे छोड़ चुके हैं और मैं पति के पास जाना चाहती हूँ और पति उनको बुला नहीं रहे, लेकिन फिर उनकी इच्छा है कि मैं उसी पति के साथ जीवन बिताऊं, मैं दूसरे के साथ मेरा मन नहीं लगेगा, अगर उसको छोड़ के अगर दूसरे के पास जाऊंगी मेरा मन नहीं लगेगा, तो मुझे कौन से भगवान की, कौन सी देवी देवता की पूजा करनी चाहिए कि मेरा पति मेरी तरफ लौटे या मुझे बुला ले? ऐसी महिला का बंधन, सावित्री देवी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ, जो भारतीय संस्कृति के प्रति दृढ़ हैं, पति एक ही होता है, बार बार विवाह नहीं होता, एक से सुख नहीं तो दूसरा सुख देगा, इसका क्या विश्वास, कैसे निपटेंगे, ये तो सोचना भी नहीं चाहिए सावित्री जी, बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए आपको। इसमें हो सकता है संकट आए, पूर्व में देवियों पे आए, बहुत बहुत वियोग प्राप्त हुआ राधा रानी को, काफ़ी लंबा वियोग प्राप्त हुआ, सीता जी को वियोग प्राप्त हुआ, पार्वती जी को वियोग प्राप्त हुआ, लक्ष्मी जी को वियोग प्राप्त हुआ पति का, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं कहीं अन्यत्र चली जाऊं। तो ये आपकी भावना बहुत अच्छी है, साथ साथ में आपको अर्धनारी स्वर की उपासना करनी चाहिए, महादेव पार्वती, जिसमें एक चित्र में ही आधा अंग भगवान शिव का होता है, आधा अंग भगवती दुर्गा का होता है, पार्वती जी का, उनकी उपासना करना चाहिए हल्दी की माला से और पीले पुष्प, पीली मिठाई, पीला वस्त्र इत्यादि, पीले आसन पर बैठकर, हो सके तो पीली साड़ी आदि जो पहनती हो पहनकर, पीला सूट पहनकर, पूर्व होकर गुरुवार से आराधना प्रारंभ करनी चाहिए। हे गौरी शंकर अर्धांगी, यथा तुम शंकर प्रिया, तथा माम कुरु कल्याणी,
कांत कामाम सुदुर्लभाम, और आगे पीछे क्लींग लगा दीजिए, क्लींग हे गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कामाम सुदुर्लभाम क्लींग। आगे भी पीछे भी जी, ये संपुट हो गया, ये काम बीज है, क्लींग काम बीज, काम बीज। और इसमें प्रार्थना की गई पार्वती जी से, जैसे आप शंकर जी को प्रिय हो वैसे मैं भी अपने पति को प्यारी हो जाऊं, मैं भी अपने पति से प्रेम करती हूं। इसको अगर लगातार करेंगी तो अवश्य में कम से कम 10 माला रोज करें। और पूजा में कोई सामग्री की कोई आवश्यकता है इस प्रकार? पीले पुष्प, पीली मिठाई, पीले वस्त्र, पीला सूट, पीली साड़ी, पीला आसन। अच्छा, हो सके जितना पीला पीला ही। जी जी जी, हल्दी की माला, पीले पीले धागा में पिरोई हुई। अच्छा, वो उत्तम। और कितने दिन तक कंटिन्यू करना या कंटिन्यू सदा? अरे भाई, जीवन भर करती रहा तो प्रेम बना रहेगा। ये एक दो दिन की बात थोड़ी कि आज प्रेम हो जाए कल खत्म हो जाए। पति पत्नी का प्रेम तो आर्यस बढ़ना चाहिए, बराबर बना रहे। तो स्त्रियों को तो इसे को इस गौरी शंकर की उपासना बराबर करनी चाहिए। विवाह से पहले ही गौरी पूजन होता है और उसके शरीर शांत हो तब तक करना चाहिए। जैसे गुरुजी ने कहा, और पिछली बार मैं बता देता हूँ माताजी आपको, सावित्री जी, जैसे कि कुछ आप ऐसा ना समझना कि पिछली बार एक माताजी ने कहा था कि मैंने इतने बार कर लिया मेरा फल नहीं मिला। फल ज़रूर मिलेगा, आपको कंटिन्यू करना है, हो सकता है देर भला ही लगे। क्यों गुरु जी? हाँ, जब तक बर्तन भरेगा नहीं तब तक कार्य नहीं होता है। आवश्यकता कितने जब की है, कितना प्रतिबंध है, प्रतिबंध को दूर करने के लिए। किसी पर 1 करोड़ का कर्ज है, 1 लाख रुपए दूने से दूर नहीं होता है। ये बात उदाहरण एकदम समझ आ गया। जैसे कि गुरुजी ने कहा, अगर आपके ऊपर 1 लाख का कर्ज है तो 1000 से नहीं होगा, 1 करोड़ का है तो 1 लाख से नहीं होगा, गुरुजी ने जैसे कहा और मार्गदर्शन भी किया था। और गुरुजी ने माताओं को विशेष तौर पर जैसे विवाहित जीवन के लिए विशेष तौर पर बताया था। गुरुजी एक अविनाश जी हैं, वो स्कूल में हैं 10th क्लास के। वो कह रहे हैं, आप सभी के सवाल लेते हो गुरुजी से, हम बच्चों के लिए एक छोटा सा सवाल है कि हमारे एग्ज़ाम आ रहे हैं और याददाश्त हमारी बढ़ाते हैं फिर भी भूल जाते हैं, गुरुजी से पूछिए कौन सी साधना या कौन सी पूजा या कौन सी योग करना चाहिए या क्या करना चाहिए हमारे स्टूडेंट लाइफ में, हमारे सभी स्कूल वाले करेंगे तो हमें बच्चों के लिए मार्गदर्शन कीजिए। ये बच्चों की हमारी समस्या है। अविनाश जी के लिए बहुत बहुत स्नेह, बहुत बहुत प्यार। अविनाश जी, आपको एक सफ़ेद मिर्च होती है, काली मिर्च कही जाती है, सफ़ेद होती है, वो सफ़ेद मिर्च ले लें, लगभग 50 ग्राम 100 ग्राम, और 2 किलो गाय का शुद्ध देसी गाय का घी ले लें। उस घी में वो मिर्च डाल दें पीस के पाउडर बना के, और उसे पूर्णिमा की रात्रि में पूरी रात्रि उस घी को, मिर्च पड़ी हुई को बाहर रख दें, चांदनी पड़ती रहे, सवेरे को डिब्बे को उठा के अलग रख लें, बंद कर लें, और बूरा चीनी का पिसा हुआ पाउडर जो होता है उसको लाके, पहली बात तो हम ये बताएंगे, लगभग थोड़ा 2 चम्मच बूरा लिया, 2 चम्मच वो घी लिया, मिला हुआ चलाया हुआ, वो डाल के सवेरे को खाया करें, और उसके बाद ऊपर से गरम गरम 1 गिलास दूध पी लिया करें। एक और दूसरी बात, मोबाइल का ये फेसबुक अगर चलाते हो, व्हाट्सअप चलाते हो, पबजी खेलते हो, तो इनको अगर बंद कर देंगे तो निश्चित ही आप क्लास में अच्छे नंबरों से आएंगे। और इसको प्रयोग करने लगे साथ साथ में आप मंत्र जप करें, अयं सरस्वती नमः, अयं सरस्वती नमः, इसका जप चालू कर दें, जितना भी कर सकते हो, चलते फिरते उठते बैठते अधिक से अधिक, और पेपर देने के लिए जाएं तो टेबल पर बैठकर भी 10-20 बार कर लें, तो निश्चित ही आपकी धारणा शक्ति अच्छी हो जाएगी। जैसे कि गुरुजी ने बताया,
और कोशिश रहेगी, सवाल तो बहुत सारे अगली कल मैं और लूँगा, कोशिश करूँगा आज आपके इतने ही सवाल लेता हूँ। लेकिन गुरुजी द्वारा मार्गदर्शन ये मैं विशेष तौर पर बता देता हूँ, आप कुछ समय करके फिर उसका फल चाहते हो तो वो कभी भी नहीं होता, क्योंकि फसल उगने में भी 6 से 12 महीने लग जाते हैं। तो आप इंतज़ार कीजिए, आपका भी फल जरूर मिलेगा। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अगली कड़ी के साथ, अगले सवालों के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हर हर महादेव।